डियर फ्रेंड, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो गार्डनर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप अगर पौधे लगाना चाहते हैं फलों के, फूलों के या सब्जियों के, तो आपको खाद की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें खाद सभी प्रकार की होती है, काऊ डंग भी होती है, वर्मी कंपोस्ट भी होती है और किचन वेस्ट भी होती है। अगर आपको काऊ डंग चाहिए तो अब आप ताज़ा मिला आपको तो आप क्या करेंगे, वो तो कभी भी भूल कर भी आप अपने पौधों में नहीं डालना, क्योंकि वो फायदे की जगह नुकसान करेगी। ताज़ा गोबर कभी भी अपने गमले में या क्यारी में मत डालना। अब उसको आपको ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उसको 20 दिन में हम आपको इतनी कंपोस्ट खाद बढ़िया बना के दिखाएंगे। बस यही वीडियो का आज मेरा विषय है कि ताज़ा गोबर को 20 दिन के अंदर कैसे 2 साल पुराना बनाया जाए। तो चलिए हम आप वीडियो शुरू करते हैं और आप ध्यान से देखना। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे खाद हम तैयार करते हैं देखते जाइए आप लोग। ये देखिए हमारे पास में ये तोरई की बेल रखी थी और ये सूख गई थी, तो हमने क्या किया है, ये ईंटों का यहाँ पर एक इसके लिए क्यारी बना दी। नीचे तो हमने पटिया लगा दी जिससे हमारे छत पर सीढ़न ना रहे, और उसके बाद में पत्थर लगाने के बाद में मैंने इस तरह से ईंटे लगा दी। अब इसके हम सबसे पहली लेयर में ये थोड़ा सा जो बेल है ये भर रहे हैं और पत्ते भी पड़े हैं वो भर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया। अगर आपके पास बेल ना हो, पत्ते हो सूखे तो डाल दो, नहीं तो जो भी कचरा आपके पास में सूखा पड़ा हो पौधों का या किचन वेस्ट का आप नीचे डाल दो। इसके बाद में ये आप कच्चा गोबर डालते जाओ। ये देखिए बिल्कुल गाय का कच्चा गोबर है, इसको ताजा गोबर कहते हैं, बिल्कुल ताजा गोबर है। तो ये मैंने डेयरी से मंगवाया और मुझे बिल्कुल ताजा गोबर मिला, तो ये हम अपने पौधों में तो लगा नहीं सकते हैं। और मुझे इस समय बेल वाली सब्जी लगानी है, मुझे गोबर की जरूरत भी है, खाद की जरूरत भी है, तो मैं इस तरह से ये डालते जा रहे हैं गोबर। इस तरह से मैंने ये गोबर भर दिया। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, ये देखिए वेस्ट डीकंपोजर का मैंने घोल बना रखा है, ये देखिए ये है वेस्ट डीकंपोजर का घोल। इसको मैं इस तरह से पूरा गोबर को गीला कर दूंगी ये डाल के, और अच्छे से इसको गीला कर दूंगी। और फिर एक हफ्ते बाद फिर इसको पलट के और फिर गीला करूंगी। 15 दिन में आपको इसका हम दिखाऊंगी कि आइए कैसा बन जाता है, बिल्कुल काला बन जाएगा, पकी हुई खाद, ना कोई स्मेल रहेगी और ना इसमें ही कोई कीड़े मकोड़े लगेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी खाद बन के तैयार मिलेगी। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम फिर दूसरी लेयर पत्ते की लगा रहे हैं, ये है सूखे पत्ते नीम के। तो इस तरह से ये गोबर को मैंने इससे ढक दिया। और इसके ऊपर और भी अभी हम गोबर भरेंगे और इनको ईंटों को बड़ी क्यारी यहाँ तक बनाएंगे, तो हम आगे जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, इतना मेरा कहना है। तो चलिए आगे अभी इसको पूरा भरते हैं, अभी तो ये बहुत कम भरा है। तो
डियर फ्रेंड्स, ये मेरी है दूसरी लेयर का गोबर, हम इसमें भरना है। ये देखो इस तरह से इसको हमने पूरा फुल कर दिया। और अभी ये इसमें और आएगा, क्योंकि ये जो है गोबर ये धीरे धीरे गल दब जाएगा। तो इसमें एक एक ये बकेट भर के हम और डाल देंगे ये, और इसको एक सा करके इस तरह से और फिर हम इसको बेस्ट कंपोजर के घोल से इस तरह से पूरा धीरे 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 पूरा गीला कर देंगे। इस तरह से इसको हमने गीला कर दिया और इसके ऊपर फिर हम लीव सूखी लीव डाल देंगे। इससे इसको हमने और इस पर भी मैं फिर से एक मग्गा पानी डाल रही हूँ, और इसको हम एक वीक बाद पूरा पलटेंगे और फिर इसको भिगोएंगे, और 15 दिन बाद इसकी हम आपको खाद की अपडेट देंगे। आप देखना कितनी बेहतरीन खाद बनके तैयार हो जाए। तो आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से ये सब काम हो जाता है। ये बहुत काम हार्ड है, मैं थक गई हूँ और अभी इतना ही, और चलिए मैं दिखाऊँ। ये मैंने 2 रेड़ी काउ डंक मंगाया था डेयरी से, और एक रेड़ी का तो मैंने बना दिया, दूसरा रेड़ी भी मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत थकावट आ गई है। तो इतना अभी पड़ा है उसमें भरने के बाद। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हम जो भी नई खाद या कोई चीज नया करेंगे, नया वीडियो डालेंगे, तो आपको सीखने को मिलता रहेगा, देखने को मिलता रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए भी आपका शुक्रिया। और आप हमारे अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करना। धन्यवाद।